आपने कभी देखा होगा जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो पहले उठना सीखता है, पहले घुटनों पे रेंगता है, फिर उठता है, फिर उसके बाद चलने की वो कोशिश करता है। तो आपको भी वैसे ही करना है एग्जाम के टाइम पे। करत करत अभ्यासे जन्मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल्पर परत निशान। ये कहावत आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में अच्छा बनते जाएंगे। ये हमारे शिक्षक भी कहा करते थे और ये सच भी है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद शौर्य में। मेरा नाम है शौर्य। तो चलिए इस वीडियो में मैं क्लास 9th और 10th के बारे में कुछ एक टाइम मैनेजमेंट का मैं आप लोगों को प्लान बताने जा रहा हूँ कि मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश और जो हिंदी है, इन सब्जेक्ट को, ये पांच ही सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्जाम में, तो चलिए मैं उसको एक एक करके मैं आपको उस प्लान के बारे में बताता हूं। और डेफिनेटली अगर इस प्लान को आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको फिर स्ट्रेटजी और प्लान देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे की तरफ। देखिए यहां पे मैंने वो जो पांच सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी, इन सबको मैंने लिख दिया। इनका एक मैं प्लान बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इसका मतलब एक स्ट्रेटजी बना के और इसको और आगे फर्दर आप अपने एग्जाम से बिफोर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स जो कि ये एक प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें इंप्रूवमेंट होगा आपका इसमें। तो देखिए आपको ना एक टाइम मैनेज करना है। टाइम कैसे मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मैथ्स किस टाइम पे पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैथ्स के लिए आपको ना एटलीस्ट कम से कम 2 आवर मैथ्स को या फिर 1:30 मतलब 1.5 आवर्स दे सकते हैं या 2 आवर्स डेली देना है इसको। डेली देना है मतलब ये ना कि आज दिए और रुक गए, ऐसा भी नहीं है। तो आपको इसको डेली प्लान करके चलना है कि हमें कम से कम 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2-3 घंटा इसको मैथ्स को देना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है तो इसीलिए उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बहुत स्टूडेंट को ना डाउट होता है कि मैथ्स में आखिरकार पढ़े क्या और समझ में नहीं आता मैथ्स में। देखिए मैथ्स पढ़ने का एक ही तरीका है, या तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चैप्टर से या वो आप कंटेंट उठाइए जो आपको थोड़ा सा इजी लगता है। जैसे किसी ना किसी स्टूडेंट को जो नंबर सिस्टम है वो आसान लगता है, या किसी स्टूडेंट को कंस्ट्रक्शन करने में उनको मजा आता है, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी चैप्टर उठा के पढ़ सकते हैं। वो छोटा छोटा चैप्टर है, आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके आप पे ये सारा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान मतलब इजी लगता है। आप हमेशा स्टार्टिंग जो करें वो इजी चीज से, ज्यादा अगर डिफिकल्ट का अगर आप सोचते हैं तो फिर आप थक जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए पहले अगर किसी ने देखिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसे क्या करना है, उसे अलजेब्रा पढ़ने में मन लगता है, तो उसने क्या कर दिया, अलजेब्रा से स्टार्ट किया, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ा और अलजेब्रा पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो करेंगे, जो पहले सबसे जो मतलब आसान है इजी है, फिर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आना है। वो हर स्टूडेंट का अपना होता है कि किसको अलजेब्रा, किसी स्टूडेंट को अलजेब्रा थोड़ा टफ लगता है तो वो बाद में बना सकते हैं, आप नंबर सिस्टम पहले बना सकते हैं। तो वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से सूटेबल है, ठीक है। तो इनको बनाने के बाद, इन सब का प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम हर एक चैप्टर का आप ट्राई कीजिए 2-3 टाइम्स इसको आपको प्रैक्टिस करना ही है एग्जाम से बिफोर, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में भी 3 खंड होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब इनमें भी 3 सेक्शन है तो 3 तरीके के लोग हैं, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री एंड बायो भी पसंद होता है। तो अब आपको देखना है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको फिजिक्स पसंद है, वो फिजिक्स से ही स्टार्ट करे। फिजिक्स में अगर क्लास 9th में चले जाए तो मोशन दिखता है, 10th में देखेंगे तो लाइट का चैप्टर आता है, ह्यूमन आई आता है। तो आप ना कोशिश कीजिए कि आसान जो इजी हो, मॉडरेट हो, या उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाना है। आपने कभी देखा होगा जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो पहले उठना सीखता है, पहले घुटनों पे रेंगता है, फिर उठता है, फिर उसके बाद चलने की वो कोशिश करता है। तो आपको भी वैसे ही करना है एग्जाम के टाइम पे, पहले आपको इजी टॉपिक या इजी सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। तो
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो आपको आसान लगे वो लेना है। अब देखिए इनमें भी आपको सब्जेक्ट डिवाइड करना है कि आज के टाइम पे, इससे पहले वाला आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा 50 डेज का प्लान बताया है कि उस वीडियो में कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसमें कुछ मैं पॉइंट्स के बारे में बात किया हूं। उसके बाद आप ये वीडियो को देखेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फिजिक्स के बारे में देखते हैं। फिजिक्स में जैसे कि अगर मैं बात करता हूं नाइन्थ क्लास की, तो नाइन्थ क्लास का जो फिजिक्स है उसमें देखेंगे मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है। अगर आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं तो मैं उसके ऊपर में भी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से हमें मोशन चैप्टर को कंप्लीट करना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को, ग्रेविटेशन को, ऐसे और भी जो है चैप्टर्स उसको कैसे कंप्लीट करना है। सिमिलरली नाइन्थ में भी, सॉरी टेंथ में भी ऐसे ही है, जैसे लाइट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन आई है, उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना है और इसे भी आपको डेली के बेस पे 2 आवर्स का टाइम देना ही है। 2 घंटा इस पे टाइम जरूर दीजिएगा, इस 2 घंटे के टाइम में और डेली देना है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एसएसटी की। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी। एसएसटी पूरा स्टोरी बेस्ड होता है। जैसे एसएसटी में आज कुछ बच्चों को ना, इसमें भी 3 खंड होते हैं, कुछ बच्चों को अभी देखेंगे नाइन्थ वाले में तो उसमें वर्ल्ड का हिस्ट्री भी आता है, इंडिया का भी हिस्ट्री है, एंशियंट है, मेडाइवल है, ये सारी चीजें आते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है उसमें से, और आपको पढ़ने में कौन सा पहले, मतलब पढ़ने में भी बहुत आसान लगे। जैसे कुछ स्टूडेंट होता है उसको ना जो मॉडर्न हिस्ट्री वो पढ़ने में बहुत आसान लगता है, जैसे महात्मा गांधी भारत कब आए, महात्मा गांधी भारत से कब गए, और पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी कब बना, ये सारा आप लोगों को देखना है, स्वराज पार्टी किसने बनाया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये आपको पढ़ना है और अच्छे से करना है। फिर एंशियंट हिस्ट्री में आप चले जाएंगे तो तमाम जो प्राचीन इतिहास है उनके बारे में आपको देखना हो, तो बहुत सारे लोगों को ना एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग सा लगता है। तो आपको बोरिंग सब्जेक्ट पहले बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बार बार स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूं कि जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो नहीं लेना, आपको केवल आसान और जिसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है उसी को, उसी से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे जैसे आपका जो ये जो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा उसके बाद जो डिफिकल्ट है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो एसएसटी में भी आपको कोशिश करना है, 1 आवर का प्लान लेके चल सकते हैं, ये स्टोरी टाइप का होता है। अगर आप एसएसटी को 1 आवर अगर लेके चल सकते हैं तो आप चलिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। वही हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये इतना डिफिकल्ट पोर्शन नहीं होता है, लेकिन बच्चे इसमें करते क्या है गलती, ये एग्जाम के टाइम पे सोचते कि मैं इसको प्रिपेयर कर लूंगा, ऐसा भी नहीं करना। आप इसको वीक में कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम निकाल के, और जैसे होता ना कभी कभी इन सबको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, तो बोरिंग सा लगने की वजह से आप ना इंग्लिश में चले जाइए, उसका ग्रामर सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, थोड़ा पैसेज वाला है वो थोड़ा पढ़िए, कोई स्टोरी है उसको पढ़ लीजिए। सिमिलरली हिंदी में भी है, तो आप इसको पढ़ के, और इनमें भी अगर आप डेली वीक में अगर 2-3 दिन भी अगर टाइम दे रहे हैं और 1 आवर या 1 एंड 1.5 आवर दोनों को टाइम दे रहे हैं तो डेट इज इनफ, आप वो कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अगर ये चीजें समझ में आया है, अगर कोई भी थोड़ा भी अगर डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर में डेफिनेटली इसको वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग, जैसे मैथ्स है कोई जो डिफिकल्ट पोर्शन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसके ऊपर में भी क्लास लेके आने का सोच रहा हूं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।